हेलो एवरीवन, मैं रूपाली आनंद आदिस किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आदिस किचन में बनाएंगे टेस्टी और चटपटी पालक पूरी। तो इसके इंग्रेडिएंट के साथ रेसिपी देख लेते हैं। हमने एक बड़े बर्तन को गैस पर चढ़ाया है, उसमें 1 से 1.5 लीटर पानी ऐड किया है और बॉईल आने के लिए छोड़ दिया है। तब तक हमने पालक और बाकी इंग्रेडिएंट्स निकाल लिए हैं। पालक को अच्छे से साफ करके धोकर रख दिया है। पानी में बॉईल आ गया है। इस स्टेज पर हम पालक को ब्लांच होने के लिए पानी में ऐड कर देंगे। सभी पालक ऐड कर देंगे, पत्ते ऐड कर देंगे और इसे 2 मिनट के लिए सिर्फ हम पानी में छोड़ देंगे। ज़्यादा देर तक नहीं रखना है। सिर्फ पत्ते सॉफ्ट होने चाहिए, ज़्यादा पकने नहीं चाहिए, नहीं तो काले पड़ सकते हैं। गैस की फ्लेम अभी हम ऑफ कर देंगे और ये पत्ते हम एक छन्नी में निकाल लेंगे। देखिए पत्ते सॉफ्ट हो गए हैं लेकिन कलर अभी भी बरकरार है। इस स्टेज पर ठंडा पानी, हम फ्रिज का ठंडा पानी इस पर पोर करेंगे ताकि इसकी कुकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाए। एक मिक्सी जार में हम पालक के पत्ते ऐड कर देंगे। हमें पानी, एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है पीसने के लिए। जो पानी पत्तों के साथ जाएगा उतना ही। 1 टीस्पून जीरा हम इसमें ऐड कर देंगे। 6 से 7 लहसुन की कलियाँ इसमें ऐड कर देंगे ताकि अच्छा गार्लिक फ्लेवर मिल जाए। और टेस्ट के अनुसार हरी मिर्च ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से फाइन पिसवा लेंगे इस तरह से। देखिए फाइन पेस्ट हो गई है। अभी एक बाउल में हम पेस्ट निकाल लेंगे। कलर देखिए कितना सुंदर मिल गया है हमें। इस तरह से पूरियाँ बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी पूरी मिलेंगी। इसमें 2 टेबलस्पून सूजी हम ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून बेसन ऐड करेंगे। बेसन से बहुत क्रिस्पी पूरी बनती है। 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल ऐड करेंगे और टेस्ट के अनुसार नमक इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा हींग ऐड करेंगे। 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून शुगर पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और ज़रूरत के अनुसार हम गेहूँ का आटा इसमें मिलाते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है, एकदम से नहीं मिलाना है। जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे हम मिलाते जाएंगे। देखिए कलर अभी भी अच्छा आ रहा है, बिल्कुल ग्रीन कलर है। और अजवाइन डालना मैं भूल गई थी, तो 1/2 टीस्पून इस यहाँ पर अजवाइन हम ऐड करेंगे। और मिक्सी जार में जो बचा हुआ ग्रेवी था थोड़ा, उसमें पानी ऐड कर दिया है मैंने पेस्ट में, और वो भी हम वेस्ट नहीं होने देंगे, इसमें ऐड कर देंगे भिगोने के लिए। और अच्छे से टाइट डो इसका गून लेंगे। इसमें सूजी है तो थोड़ी देर बाद और टाइट हो जाता है डो। और थोड़ा सा ऑयल डालकर हम इसे अच्छे से मसल लेंगे और इसे 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। 15 से 20 मिनट हो गए हैं और अपना आटा भी लगकर रेडी है। देखिए कितना टाइट हो गया है, सूजी के वजह से बहुत टाइट हो जाता है वो। और इसे और हम थोड़ा सा मसल लेंगे। हमने यहाँ पर फाइन सूजी ही इस्तेमाल किया है। आपके पास ना हो तो मिक्सी में ग्राइंड करके लीजिए। और हम अभी चकले पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। आप गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पूरी बेलने के लिए। आप पूरी के लिए बड़ी पूरी बनाकर कटर का भी इस्तेमाल, कोई भी कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं छोटी छोटी पूरी बनाने के लिए। आपको जो शेप में पूरी चाहिए वो शेप में आप बना सकते हैं। इस तरह से हमें थिकनेस रखनी है पूरी के लिए। एकदम पतली पूरी फूलती नहीं है। और ऑयल गर्म हो गया है, पहले तो ऑयल को गर्म करना है और बाद में हम मीडियम फ्लेम पर पूरी को फ्राई कर लेंगे।
ताकि पूरी अच्छे से पक जाए, क्रिस्प मिल जाए हमें। हाई फ्लेम पर पूरी अच्छे से फूलती नहीं है और जल्दी से क्रिस्पी भी नहीं बनती, और थोड़ा थोड़ा ऑयल इस पर छोड़कर हम इसे क्रिस्पी बना लेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही हमें फ्राई करनी है पूरी या कोई भी पकोड़े, पूरी तो बहुत क्रिस्पी बनते हैं। देखिए कितना सुंदर कलर आ गया है। और इस तरह से पूरियाँ ज़रूर ट्राई कीजिए एंड पालक पूरी एंजॉय कीजिए। सो एंजॉय। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।